विधवा से शादी का सूत्र बताया था, है ना जी। हाँ चलिए अब आगे आगे करते हैं। सप्तम भाव, हेडिंग क्या है? सातवां भाव। हाँ सातवां, सप्तम सप्तम भाव। हाँ देखो सातवें भाव में जितने ग्रह बैठे हैं, सातवें भाव में जितने ग्रह, जितने जितने ग्रह बैठे हैं हाँ व्यक्ति की उतनी शादियां हो सकती है व्यक्ति की। उतनी ही शादियां हो सकती है। उतने या उतने रिलेशनशिप हो सकते हैं, उतने रिलेशनशिप। हाँ रिलेशन हो सकते हैं, हो हो सकते हैं। देखो। हाँ ये क्लियर। देखो यदि उदाहरण के लिए सातवें भाव में तीन ग्रह बैठे हैं, सातवें भाव में ग्रह, सातवें भाव में 3 ग्रह बैठे तो व्यक्ति की तीन शादियां व्यक्ति भी 3 शादियां। हाँ या तीन रिलेशनशिप हो सकते हैं, या 3 रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो ये भी आ गया समझ में। देखो हाँ जी सप्तमेश केतु के नक्षत्र में हो, सप्तमेश सप्तमेश केतु के केतु के नक्षत्र में हो, नक्षत्र में हो व्यक्ति तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। का वैवाहिक वैवाहिक जीवन खराब जीवन खराब रहता है। जी जी। फिर भाई नेक्स्ट, लड़की की कुंडली में, लड़की की लड़की की कुंडली में मंगल या गुरु मंगल या गुरु या शुक्र केतु या शुक्र केतु के नक्षत्र में हो, के नक्षत्र में व्यक्ति तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है का वैवाहिक जीवन जी। खराब हुआ रहता है, देखो होता क्योंकि मंगल नाड़ी में क्या है, लड़की का पति होता है। अब गुरु, गुरु वैदिक ज्योतिष के अनुसार पति होता है। शुक्र विवाह का कारक होता है, तो ये केतु के नक्षत्र में हो तो उसका वैवाहिक जीवन खराब हो खराब सकता होता है। ये तीनों नहीं, तीनों में से कोई भी एक, कोई भी। देखो एक यदि लड़ हाँ यदि जातक की कुंडली में जातक के कुंडली में गुरु या शुक्र, गुरु या शुक्र केतु केतु के नक्षत्र में हो, के नक्षत्र में हो तो जातक का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। तो जातक का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। ठीक जी ठीक है। है हाँ अब लिखो गर्भधारण सातवें भाव से देखते हैं। गर्भधारण सातवें गर्भ धारण सातवें भाव से देखते हैं। यहां तक क्लियर। तो तक क्लियर। हाँ गर्भ लिखो बहुत सारे लोगों को सातवें भाव की दशा में भी संतान हो जाती है, बहुत सारे बहुत लोगों को, सारे लोगों को सातवें भाव की दशा में भी। सातवें भाव की दशा में भी संतान संतान होती हो है। जाती है जी, क्योंकि सातवां भाव से ना यूटेरस देखते हैं, यूटेरस मतलब गर्भ, ठीक है जी, हाँ गर्भा गर्भाशय, गर्भाशय। गर्भा से चलो अब एक कुंभ लगन की पत्रिका बनाओ। हाँ कुंभ लगन के पत्रेगा जी बनाइए। लगन की
बना दिया। या पंचमेश बुध, पंचमेश पंचमेश बुध, हाँ पंच, पंचम भाव में बुध बिठा दो और पंचम भाव में शुक्र बिठा दो। पंचम में देखो शुक्र बिठा दिया। हाँ पंचमेश पंचमेश बुध शुक्र के साथ है। बुध शुक्र के साथ है। तो इस व्यक्ति को लड़की हुई, इस व्यक्ति को हाँ इस व्यक्ति को लड़की लड़की हुई। चलो हुई। हाँ यहाँ तक अब वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाओ। लगे और तीसरे भाव में शनि शुक्र, तीसरे भाव में अच्छी तीसरे भाव में शनि और शनि। शुक्र। हाँ हाँ तो चलो लिखे इसमें। देखो इस व्यक्ति को लड़की हुई, इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को लड़की हुई। क्योंकि सप्तमेश का संबंध शनि से, सप्तमेश का संबंध सप्तमेश का संबंध है। संबंध शनि से है। काई से तो शनि से काई हाँ जी। तो लिखो इसकी शादी शनि के लगन, शनि के इसकी शादी शनि के लगन शनि के लगन राशि राशि या नक्षत्र या नक्षत्र वाले व्यक्ति से होगी। वाले जातक से होगी। जी जी सर, अब मेष लगन की पत्रिका, कौन सी लगन की पत्रिका बनाएंगे? हाँ मेष लगन के और सातवें भाव में शनि, सातवें भाव में मेष लगन की पत्रिका सातवें भाव में शनि। हाँ सातवें भाव में शनि है ना। तो हाँ इस लड़के की शादी, इस लड़के की शादी इस लड़के की शादी मकर या कुंभ लगन वाले से होगी। मकर या कुंभ मकर या कुंभ लगन वाले से। देखो शनि या शनि के नक्षत्र वाले से होगी, शनि के। या शनि के नक्षत्र वाले से। चलो ये लिख लिया। हाँ जी लिख लिया। हाँ 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 मेरे इधर से एक मशीन की आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। हाँ वो आएगी कुंभ क्योंकि तो बिल्डिंग में काम हो रहा है। चलो अब कुंभ लगन की पत्रिका बनाओ। कौन सी पत्रिका बनाओ लगन की जी? बनाओ कुंभ लगन की। और लगन में सूर्य लिखो, लगन में लगन में सूर्य सूर्य। और सप्तम में चंद्रमा, सप्तम में लगन में सूर्य सप्तम में चंद्रमा। हाँ देखो सप्तम में सूर्य सप्तमेश सूर्य देखो में सप्तमी सूर्य सूर्य शनि की सूर्य राशि में बैठा, शनि की राशि में बैठा, शनि की। की राशि में बैठा है। कमजोर तो कमजोर हो गया तो हाँ हो गया। परंतु सातवें भाव में चंद्रमा बैठा है, सातवें भाव में परंतु
सातवें भाव में सातवें सातवें भाव में चंद्र चंद्रमा, चंद्रमा बैठा है, जो कि जो कि स्ट्रांग है, जो कि तो स्ट्रांग। है। हाँ, तो देखो, इस व्यक्ति की शादी इस व्यक्ति की शादी शादी कर्क लगन की शादी लड़की से हुई। कर्क लगन की लगन की लड़की लड़की से हुई, से हुई, लड़की क्योंकि से हुई था, सातवें चंद्रमा भाव में चंद्रमा बेटा है, सातवें भाव में। चलिए बैठा है। हाँ अब देखो, मैं आपका बताता हूँ, ठीक है जी। हाँ तो एक सेकेंड, पत्रिका लगाते हैं आपकी। जी हाँ जी, ये आ गई पत्रिका आपकी। अब अभी आप मत बताना, अपन कोशिश करते हैं। तो देखो, एक तो आपके सातवें भाव में चंद्रमा है, कौन है? हेलो, चंद्रमा। हाँ चंद्रमा। हाँ हाँ और सप्तमेश यहाँ बेटा है गुरु के साथ, इसके गुरु बाद बेटा है के साथ बुध और बुध की राशि में, ठीक की राशि में। हाँ है। फिर मंगल लेना है, इधर भी देख रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आपकी जो पत्नी है उसका उसका लगन या राशि कर्क या गुरु की राशि या राहु की राशि हो सकती है, ठीक है। क्या हाँ देखो है? ऐसे कुंडली तो नहीं है इसकी, पेट हाँ, जरूर है, डेट क्या है? जरूर है, समय नहीं है, आवाज, डेट है। हाँ जी, आवाज जोर से बोले, आवाज जोर से बोले, मशीन चल रही ना तो आवाज जोर से बोले। हाँ इनकी डेट डेट है, समय समय नहीं है, अच्छा, क्या नहीं, ईयर नहीं है, समय 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 ईयर भी है, नहीं समय है। हाँ नहीं है, जी, हाँ जी, तो राशि आप देख रहे, राशि तो निकल ही आएगी ना, राशि तो क्या। हाँ जी, तो निकाल लेंगे आप। अभी अभी देखते हैं, चलो। हाँ जी, एक मिनट, अरे डाउनलोड कहाँ से हो गई, रुक जाओ, मैंने गलत बटन दबा दिया। सुनो एक सेकंड है, थोड़ा गलत बटन प्रेस हो गया, जन्म विवरण बदले। जी हाँ जी, नाम बोले, चलो नाम छोड़ो, अपन ऐसे लिख लेते हैं। हाँ बोलो, तारीख बोलो। हाँ 9 तारीख महीना, ये 9 9 8 8 8 सॉरी अगस्त, हाँ भाई, अगस्त। हाँ ईयर और बोलो। 1982। अरे स्थान कौन सा, स्थान स्थान टोंक लगा दो, नहीं, वापस बदलते, स्थान कौन सा है? टोंक, टोंक लगा तो राजस्थान टोंक। हाँ हाँ टोंक। हाँ नहीं, कभी भी दो वर्ड एक साथ मत बोला करे, टोंक बोले बस, क्या टोंक है ना, जैसे क्या होता है, टोंक लगा दो, ऐसा नहीं बोलना उसमें। हाँ, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, टोंक है ना जी। हाँ जी, तो देखो ये राशि क्या है, इधर मीन राशि मीन आई, कौन राशि। सी राशि? हाँ मीन देखो राशि। मीन राशि आई है ना, तो याद है मैंने आपका सप्तमेश मंगल को, लिखो देखो, हाँ मेरा मेरा सप्तमेश मंगल ऐसा लिखो, मेरा सप्तमेश मंगल। मंगल हाँ गुरु गुरु की राशि में, गुरु की राशि में। हाँ इसलिए मेरी पत्नी, नहीं गुरु की राशि में नहीं, गुरु के साथ में, गुरु के इसलिए गुरु के साथ में। हाँ मेरी पत्नी, इसलिए मेरी पत्नी मैं पत्नी हूँ कि की मीन राशि है, कि मीन राशि। हाँ हाँ जी चलो हो गया मैच। तो क्या है, किसी की भी जो पत्नी है ना, उसका राशि लगन क्या हो सकता है?
तो सातवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तमेश किस कौन से ग्रह के साथ बैठा है, सप्तमेश का संबंध किन ग्रहों से हो रहा है, वो राशि या नक्षत्र हो सकता है, राशि नक्षत्र या लगन हो सकता है। अरे हाँ बताओ, हाँ जी। ये ये क्लियर आज आपने अच्छी ट्रिक सिखाई गुरुदेव। जी। हाँ, तो इससे अपन ये पता लगा सकते कि ये इसकी स्वाइप हो सकती है कि नहीं, क्या ठीक है। हाँ, ठीक तो है। अभी और पत्रिकाएं करते तो आपको ट्रिक और मजबूत होगी। अब मेन मीन लगन की पत्रिका बनाओ, मीन, लगन के। और आठवें भाव में बुध शुक्र, आठवें भाव में जी, हाँ, देखो बुध शुक्र की राशि में बैठा है, बुध शुक्र शुक्र की राशि की, मेरा। हाँ, तो इस व्यक्ति की शादी शुक्र की राशि में बैठा है जी, इस व्यक्ति की, लिखो इस व्यक्ति की इस व्यक्ति की शादी शादी शुक्र वाली लड़की से होगी। शुक्र वाली हूँ लड़की हाँ, शुक्र वाली लड़की से होगी। से होगी। हाँ, ये क्लियर? जैसे ये क्लियर। आपका आपका देखो गुरु गुरु वाली से हुई ना शादी, क्या। हाँ, कुंभ अब एक पत्रिका बनाओ कुंभ लगन की पत्रिका, लगन। लगन में सूर्य मंगल, लगन में सूर्य हाँ, लगन में सूर्य मंगल। हाँ, मंगल और बुध, सूर्य मंगल और सूर्य मंगल बुध। तो बुध। लिखो इस पत्रिका में सूर्य मंगल अपने शत्रु शनि की राशि में बैठे, सूर्य मंगल पत्रिका में सूर्य मंगल और मंगल अपने अपने शत्रु शत्रु शनि की राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में राशि में बैठे हैं, बैठे हैं। परंतु बुध अपने मित्र की राशि में बैठा है, बुध परंतु बुध बुध अपने मित्र अपने मित्र शनि की राशि में बैठा है। मित्र शनि की राशि में। तो लिखो तो तो इस व्यक्ति की शादी, इस व्यक्ति की इस व्यक्ति की शादी शादी कुंभ लगन वाली लड़की से हुई, कुंभ लगन वाली कुंभ लगन वाली लड़की से हुई है। लड़की, लड़की से हुई इसमें बुध जीत गया, इसमें इसमें बुध बुध जीत जीत गया। गया। तो आगे चलें, अब आगे चलेगा लिखो सप्तमी शनि, सप्तमेश। नहीं, अब रुक जाओ, सप्तमेश नहीं, कुंडली बनाओ पहले कर्क लगन की। तो हाँ, देखो आपको जो मेल माँ मेल मिलाप में आपको बहुत यूजफुल रहेगी, क्या जी, किसकी शादी इससे हो सकती है कि नहीं, क्या, है ना। अब लिखो कर्क लगन की पत्रिका में लगन में शनि, लगन में लगन शनि आश्लेषा नक्षत्र में, शनि में शनि और नवम का बुध, नवम में बुध बैठा है, आश्लेषा नक्षत्र नवम में। में बुध बुध बुध। बैठा है। हाँ, देखो सप्तमेश शनि बुध के नक्षत्र में, सप्तमेश शनि सप्तमेश शनि बुध के नक्षत्र में है बुध मीन राशि में बैठा है, बुध और बुध मीन राशि में बैठा है। हाँ, जी, नीच का बेटा है, नीच का। नीच का बेटा इस व्यक्ति को संतान नहीं हुई, इस व्यक्ति को है। इस व्यक्ति को संतान संतान नहीं हुई, क्योंकि नहीं हुआ। सातवें भाव को शनि देख रहा है, सातवें भाव को
सातवें भाव को शनि देख रहा है भाव को शनि देख रहा है। हाँ और शनि एक नपुंसक ग्रह है, शनि एक शनि एक नपुंसक ग्रह। हाँ और शनि बुध के नक्षत्र में, शनि बुध शनि के बुध के नक्षत्र में। हाँ और बुध नवम भाव में नीच का है, बुध नवम भाव बुध नवम भाव में, नीच का है। हाँ इसलिए इसको संतान नहीं हुई, इसलिए इसको इसलिए इसको संतान नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ तो इस व्यक्ति को संतान नहीं हुई, तो देखो किसी किसी को संतान नहीं होती ना, ये रुकावट बहुत आती है। तो देखो किसी व्यक्ति को संतान होने में रुकावट आती हो, किसी व्यक्ति को संतान व्यक्ति को होने में संतान होने में रुकावट रुका उठ आती हो, आती हो। तो सातवें देखो, तो सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह साफ भाव में बैठा हुआ ग्रह ग्रह और लगन में बैठे हुए ग्रह, लगन में बैठे हुए ग्रह और इनके नक्षत्र स्वामी को भी देखना चाहिए, इनके इनके नक्षत्र नक्षत्र स्वामी को भी देखना चाहिए। स्वामी को भी देखना चाहिए। हाँ देखो, यदि लग्न या सातवां भाव पीड़ित हो तो संतान पैदा नहीं होती, लेकिन संतान या सातवां भाव, सातों भाव पीड़ित हो तो संतान पैदा संतान पैदा नहीं होती, नहीं होती। या संतान पैदा होने में रुकावट आती है, संतान पैदा होने में संतान पैदा होने में रुकावट आती है। हाँ जी आती है। चलो आगे चले। हाँ अब जी देखो, यदि किसी स्त्री को किसी यदि स्त्री को, वो हाँ, स्त्री ग्रह की महादशा या अंतर दशा चले, स्त्री स्त्री ग्रह की महादशा महादशा या अंतर दशा दशा चले, या हाँ अंतर या अंतर दशा चले दशा, चले। हाँ तो तो लड़की पैदा होती है, तो लड़की लड़की पैदा होती होती है। है। ये और सब तो अच्छा यदि बता रहे हो आज आपने। जी देखो, यदि पुरुष ग्रहों की महादशा अंतर दशा चले, यदि पुरुष ग्रहों पुरुष ग्रहों की की अंतरदशा महादशा अंतर दशा चले, 1 सेकंड में एक फोन अटेंड करता हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, नितिन काम बोल। हाँ मैंने आपसे आपको फोन लगाएंगे तो आप क्या अग्रवाल नगर में रहते हो अभी? नहीं, मैं जानकी नगर में रहता हूँ। सुनो, जानकी नगर ठीक हाँ है। तो
हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ अपन किधर आ गए थे? यदि पुरुष किसी स्त्री पर पुरुष ग्रह की महादशा अंतर्षद चले तो लड़का पैदा होता है। हाँ जी आप लिखो। अब लगन वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाओ। कौन से लग्न की? की और लगन में आप दूसरे भाव में राहु, दूसरे में लगन जी अच्छे लगन दूसरे भाव में राहु राहु, हाँ केतु और आठवें में केतु। आठवें में हाँ तो लिखो, और केतु है आद्रा नक्षत्र में। केतु है केतु आद्रा नक्षत्र में हाँ ठीक है। देखो केतु की दशा में इसको लड़कियां पैदा हुई। केतु की दशा में, केतु की दशा दशा में में लड़की पैदा पैदा हुई, हुई क्योंकि क्योंकि केतु आद्र नक्षत्र में। केतु केतु आद्रा नक्षत्र में है। हाँ ठीक है। अब लिख लिया अपन ने। लिखो आद्रा नक्षत्र स्त्री नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र आद्रा नक्षत्र स्त्री नक्षत्र है हाँ इसलिए लड़कियां पैदा हुई, इसलिए लड़कियां इसलिए लड़की पैदा हुआ तो लिखो व्यक्ति को जिस ग्रह की दशा चल रही है, व्यक्ति को जिस जिस ग्रह की ग्रह की दशा वो दशा दशा चल रही हो पुरुष नक्षत्र या स्त्री नक्षत्र में, वो कौन से नक्षत्र में? वो पुरुष कौन पुरुष नक्षत्र या नक्षत्र या स्त्री नक्षत्र में, स्त्री नक्षत्र ये देखना चाहिए, ये देखना। यह है देखना चाहिए वहां देखो यदि पुरुष नक्षत्र में है, यदि पुरुष पुरुष नक्षत्र में है तो नक्षत्र में है तो लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा होता है। हाँ यदि स्त्री नक्षत्र में है, स्त्री यदि स्त्री नक्षत्र में है तो नक्षत्र में है तो लड़की पैदा होती है। लड़की पैदा होती है हाँ जी अब वृश्चिक लग्न की पत्रिका बना लो। लगन की कौन से लगन की? लगन हाँ पांचवें भाव में चंद्रमा बिठाओ। पांचवें भाव में पांचवें भाव में चंद्रमा हाँ उत्तरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा जी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में तो लिखो चंद्रमा की दशा में चंद्रमा दशा में लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ क्योंकि चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, चंद्रमा उत्तरा चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पांचवा पांचवें भाव में है ना, हुआ है और उत्तरा भाद्रपद पुरुष नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद पुरुष नक्षत्र देखो चंद्रमा स्त्री ग्रह है, परंतु नक्षत्र क्या है? पुरुष है। तो चली चली किसकी? नक्षत्र की चली। किसकी चली? तो नक्षत्र के चले हैं अब समझ में आया कि नक्षत्र तक जाना क्यों जरूरी है ना। नहीं तो यहाँ चंद्रमा को देख के कोई भी बोल देता लड़की पैदा होगी, लेकिन भाई तो लड़का पैदा हो गया। ठीक है अब वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाए। नहीं बच्चे की बनाई ना था एक और बनाओ, दूसरी दूसरी बच्चे वृश्चिक लग्न की पत्रिका। लगन हाँ और दूसरे भाव में राहु, दूसरे भाव में
भाव राहु में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा जी। नक्षत्र तो लिखो, व्यक्ति को राहु की दशा में, में व्यक्ति राहु को राहु राहु की दशा में लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा हुई। क्योंकि राहु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, राहु राहु पूर्वाषाढ़ा सौदा नक्षत्र में, और पूर्वाषाढ़ा स्त्री नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा जी। नक्षत्र तो इसलिए क्या पैदा हुई, लड़की पैदा हुई इससे। लो आया समझ में अब। हाँ है ना, इंटरेस्टिंग क्या। इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। पर मैं इसमें एक बार डाउट कर रहा हूँ, हाँ ये दोनों की दशा देखना है क्या, लड़की पुरुष की और लड़की की कुंडली दोनों की देखना है क्या, स्त्री मेन तो स्त्री की देखना, मेन किसकी देखना, स्त्री की। की देखना। पुरुष हाँ को देखना, पुरुष की देखना बेवकूफी है। क्योंकि क्या है उसकी देखना। कि देखो बेवकूफी है, क्योंकि अरे हाँ डिलीवरी तो स्त्री को होती है ना, डिलीवरी हाँ थोड़ी स्त्री को होती है। हाँ है ना। अरे बस में यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर। हाँ चलो, इसलिए ना अधिकतर ये संतान वंतान के मैटर में ना स्त्री की पत्रिका देखनी चाहिए। किसकी पत्रिका देखनी चाहिए, क्योंकि स्त्री की पत्रिका देखनी चाहिए। हाँ सब सब कुछ निकलेगा उधर से ही है कि नहीं। तो मतलब जैसे भैया, मतलब अरे जेंट्स की डिलीवरी थोड़ी होती है, तो जेंट्स की पत्रिका कितनी भी देर तक देखो कोई मतलब नहीं। क्या क्लियर। क्लियर। चलिए अब वृश्चिक लग्न की पत्रिका, कौन से लग्न की पत्रिका वर्षिक लगन क्या बनाओ, बनाओ वृश्चिक लगन जी। लगन क्या और लगन में शुक्र, लगन में शुक्र है। और 12वें भाव में गुरु बुध सूर्य, 12वें में गुरु बुध सूर्य। हाँ ज्येष्ठ अब ये शुक्र है ना ज्येष्ठा नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में। हाँ नक्षत्र में है। तो लिखो, शुक्र की दशा में शुक्र की दशा में एक लड़का लड़की पैदा हुई, एक लड़का और एक एक लड़का लड़का, और लड़की पैदा हुई। हाँ क्योंकि ज्येष्ठा स्त्री नक्षत्र है, ज्येष्ठा। हाँ तो ज्येष्ठा स्त्री नक्षत्र यहाँ तक क्लियर। ज्येष्ठा है। क्लियर। स्त्री नक्षत्र है जो, हाँ अब एक जो मिनट बता रहा हूँ। हाँ देखो, ये ज्येष्ठा का स्वामी बुध होता है, ज्येष्ठा का स्वामी ज्येष्ठा का स्वामी बुद्ध होता है। हाँ जो सूर्य और गुरु के साथ बैठा है, जो जो सूर्य गुरु के साथ बैठा है, बैठा है, इसलिए व्यक्ति को एक लड़का एक लड़की हुई, एक लड़का और एक इसलिए व्यक्ति को एक लड़का और लड़की हुई। सुनो। हाँ फिर से बता रहा हूँ, एक ज्येष्ठा लड़का किसके कारण हो गया, ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण। नहीं नक्षत्र सॉरी, के एक ज्येष्ठा के कारण एक लड़की हो गई, क्योंकि तो ज्येष्ठा कारण। स्त्री नक्षत्र है ना। और उधर सूर्य बुध के कारण एक लड़का हो गया, एक। एक लड़का हो गया। हाँ अब हेडिंग लिखो, संतान का लगन क्या होगा, संतान का संतान का लगन क्या लगन होगा। कैसे संतान पता लगाए, कैसे। का लगन क्या होगा। तो लिखो 159, 159 1 5 9। हाँ भाव में जो ग्रह बैठे हैं, जो ग्रह बैठे जो ग्रह बैठे हैं। हाँ उन ग्रहों से संबंधित संतान का लगन हो सकता है। उन ग्रहों से संबंधित संतान का संतान
लग्न हो सकता है? कौन जी सा का है ये वो? ना। हाँ अब जी। चलो, अब देखो आपकी पत्रिका की बताता हूँ कि आपकी पत्रिका नहीं, कुंभ लग्न की बनानी ना अपने को, वो तुला लग्न। जी तो देखो, अब आपके 159 में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं पहले उन पे नजर मारेंगे। तो यहाँ सूर्य बैठा है, यहाँ मंगल और गुरु बैठे हैं। लिख लो, मेरी संतान का लगन। मेरी संतान का लगन सूर्य के कारण सी लगन, सूर्य के कारण के कारण सिंह लगन, मंगल के कारण मेष या वृश्चिक लगन। मंगल के कारण मेष या और मेष या वृश्चिक लगन, गुरु के कारण धनु गुरु के कारण धनु या मीन लगन हो सकता है। धनु या या मीन लगन हो सकता है। शायद जी। तो आपको आपके संतान का लगन मालूम है क्या? नहीं, लड़के का वर्चिक लगन होना चाहिए। या तो ये लगन या राशि हो सकती है। जो एक मिनट, अपन आप उनकी डिटेल मालूम है आपको, जन्म तारीख समय। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मालूम है। जी, कितनी संतान है आपको? जी दो। चलो चलो, हाँ जी बोलिए उसका। लड़का है 16 सितंबर 16 सितंबर, हाँ एक मिनट, 16 सितंबर, हाँ 2003 2000 तीन जी। समय बोलिए। 12:15 दिन 12:15 दिन का, रात का, के कब दिन का? दोपहर के दिन के दिन का। का है ना। हाँ हाँ नहीं तो लोग आधी रात को भी दिन बोलते हैं। स्थान हैदराबाद। जी। ये आ गया नीचे, हैदराबाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश। जी। हाँ जी, वर्चिक लगन है ना? वृश्चिक। हाँ वृश्चिक लगन आया। कौन सा तो लगन आया? मेष वर्चिक लगन है। हाँ हो गया ना, मंगल का लगन आया। मैंने बोला, बताया था ना आपको, अभी लिखा है ना आपने। हाँ हाँ कॉपी खोल के देख लो कि सूर्य का लगन या मंगल का या गुरु का लगन है ना। देखो हाँ हाँ कितनी सटीक टेक्निक है। ठीक टेक्निक है। हाँ हाँ चलो अब दूसरी संतान का देखते हैं अपन, है ना जी। एक सेकेंड, ये बदल दूं मैं जी। बोलिए तारीख। तारीख 27 अप्रैल, 27 अप्रैल हाँ 2007 हाँ और जन्म है सुबह 7 बजे 7:15 बजे। हाँ 7:15 है ना। स्थान सुबह हैदराबाद। हैदराबाद जी। ये सही है, डिटेल डिटेल जरूर देखना चाहिए एक बार, तो क्रॉस हाँ चेक बिल्कुल करना सही है, बिल्कुल सही है। जी। देखो इसका वृषभ लगन आया, इसका कौन सा लगन बस आया? सब लगन आया। अभी वृषभ लगन को चलो साइड रखते हैं, लेकिन इसकी राशि सी राशि है, सूर्य की राशि है। कौन सी राशि है? हाँ आपने सिंह राशि, सूर्य की राशि। हाँ हाँ बोला था ना, या तो ये लगन आने चाहिए या राशि आनी चाहिए। हाँ हाँ ये लिखा है ना आपने। हाँ तो सूर्य की राशि आ गई, सूर्य की। अब सूर्य की राशि आ गई। हाँ इसके लगन का नक्षत्र स्वामी भी देख लेते हैं। अरे लगन का नक्षत्र स्वामी सूर्य देख। हाँ हाँ देखो ठीक है। हाँ हाँ लगन का नक्षत्र स्वामी सूर्य। सूर्य, हाँ और राशि भी सूर्य की ही, राशि भी। क्लियर सूर्य की है। हाँ क्लियर जी? जी। हाँ चलो है ना। तो या तो लगन होगा या राशि होगी या नक्षत्र होगा, जो अपन या ने नक्षत्र। अभी, अभी निकाला ना क्या। हाँ हाँ लेकिन अपन ये देखते कि इसका वृषभ लगन क्यों आ गया इसका। इसका वर्षिक लगन तो आ गया बच्चे का। ठीक है। हाँ अरे वृषभ क्यों आया ये? वर्षक क्यों तो आया? हाँ वृषभ का स्वामी कौन होता है? शुक्र। कौन होता है? शुक्र। हाँ
तो अब देखो, दो और साथ में कोई बैठा है क्या? जी दो दो में कुछ नहीं है, सात में कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन देखो यहाँ क्या है, यहाँ एक गड़बड़ है कि ये जो ये बैठे ना, ये गुरु शुक्र की राशि को देख रहा है, शुक्र की। राशि को देख रहा हूँ, शुक्र हाँ, इसलिए शुक्र का भी लगन हो सकता है, शुक्र का भी। तो का भी लग्न हो सकता है। हाँ आपकी जो सेकंड संतान है उसका वृषभ लगन आया है। आया आया समझ में? समझ चलिए अब। हाँ, तो ऐसे अपन किसी का भी, किसी की भी संतान का लगन निकाल सकते हैं, लगन कि निकाल सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कि व्यक्ति की संतान का लग्न क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ अब लिखो। अब देखो मैं आप, हाँ, आठवां भाव, हेडिंग क्या लिखो हाँ तो अब जी? अब हेडिंग आठवां भाव लिख लो, है ना? अब इसमें आयु वाला कर। व्यापार हाँ, व्यापार वगैरह के सूत्र बताएंगे सर। अच्छा, सातवें भाव में व्यापार का लिख लो, लिख लो, मैं बता देता हूँ। व्यापार में हाँ जी, दाम्पत्य लाइफ। हाँ, दाम्पत्य का तो बता दिया, चल दाम्पत्य का भी लिख लो। सप्तमेश, सूर्य के नक्षत्र में हो, सप्तमेश सप्तमेश सूर्य के नक्षत्र सूर्य, हाँ सूर्य के नक्षत्र में हो, में हो, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है, व्यक्ति का। वैवाहिक जीवन खराब रहता है। हाँ हाँ, घमंड के कारण, किसके कारण? घमंड सूर्य के कारण, ठीक और गुस्से के कारण, घमंड और। है, सप्तमेश, गुस्से के कारण। चंद्रमा के नक्षत्र में, सप्तमेश सप्तमेश चंद्रमा के। हाँ, चंद्रमा के नक्षत्र में हो, व्यक्ति तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। का वैवाहिक जीवन खराब रहता है, हो हाँ, जातक की माता के कारण, जातक की जी। जातक माता के कारण। सप्तमेश और हाँ मंगल के नक्षत्र में हो, सप्तमेश मंगल के नक्षत्र में हो, तो जातक और उसकी पत्नी में मारा पिटी हो सकती है। जातक उसकी पत्नी में मारा पेटी हो सकती है। हो सप्तमेश बुध के नक्षत्र में हो, सप्तमेश सप्तमेश बुध बुध के के, नक्षत्र तो में हो, व्यक्ति की दो शादी हो सकती है। हाँ, व्यक्ति की दो शादी हो सकती है। या व्यक्ति के साथ किसी और की भी, व्यक्ति के साथ, देखो व्यक्ति की शादी के दिन दूसरे की भी शादी हो सकती है, व्यक्ति की शादी के दिन व्यक्ति के शादी के दिन दूसरे शादी के दिन व्यक्ति की शादी भी हो सकती है, दूसरे। हाँ, दूसरे व्यक्ति की शादी हो सकती है। हाँ जैसे समझो एक ही धर्मशाला है, उसमें दो शादियां हो रही है, या तो एक घर एक, में ही दो दो बहने की शादी कर देते हैं ना सब। हाँ, या दो बहनों की एक साथ शादी हो रही है, या दो भाई की एक साथ शादी हो रही है। ठीक है ना, थोड़ा बजट बजट के लिए क्या हाँ ये आया समझ में? फिर आगे चले, अब कहाँ बिल्कुल, पे आ गए अपन? नेक्स्ट, बुद्ध का नक्षत्र, गुरु के हाँ, नक्षत्र में, सप्तमेश सप्तमेश गुरु के नक्षत्र में, सप्तमेश, गुरु के नक्षत्र में। हाँ तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। हाँ, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। जी, अब सप्तमेश किसके नक्षत्र में हो? सप्तमेश शुक्र शुक्र, के देखो नक्षत्र, शुक्र सप्तमेश शुक्र के नक्षत्र में हो, सप्तमेश, के नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर और अमीर होता है, व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर शुद्ध और सुंदर और अमीर अमीर होते होता, अमीर होता में है। होता है वो। सप्तमेश शनि के नक्षत्र में हो, शनि तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। हाँ, का जीवन खराब रहता है, खराब, व्यक्ति
रहता है। रहता है। ठीक है, अब सप्तमेश किसके नक्षत्र में हो? राहु के नक्षत्र में, राहु सप्तमेश राहु के नक्षत्र में हो। सप्तमेश के नक्षत्र में हो तो जीवन तो जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रहता है व्यक्ति का। साथी से वैचारिक जीवन साथी से वैचारिक मतभेद जी। मतभेद रहता है। हाँ सप्तमेश केतु के नक्षत्र में हो। सप्तमेश सप्तमेश, सप्तमेश केतु के नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है जी। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है, जीवन खराब खराब रहता है। रहता क्या है। हाँ समझ में? हाँ जी। तो ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा रह होगा। सकता है। अब होगा जी, अब सप्तम भाव का एक होता है व्यापार का, एक होता है व्यापार का लिखो सप्तमेश बुध के नक्षत्र में हो। बुध के नक्षत्र में हो, या सप्तमेश सप्तमेश के ही नक्षत्र में हो। सप्तमेश सप्तमेश अपने ही नक्षत्र में हो अपने ही नक्षत्र में हो, अपने ही तो हाँ, तो व्यक्ति व्यापार कर सकता है। व्यक्ति जी, व्यापार कर सकता है। हाँ देखो सप्तमेश सप्तम भाव में बुध हो, सप्तम भाव में अपने सप्तमाह में बुध, ही नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में हाँ कर तो व्यक्ति व्यापार कर सकता है। सकता है। हाँ सप्तम भाव में शनि हो। सप्तम भाव में सप्तम भाव में शनि हो, बुध के नक्षत्र में, तो बुध के नक्षत्र में हो, व्यापार व्यक्ति व्यापार कर सकता है। तो व्यक्ति जी कर सकता हूँ। ये भी क्लियर। ये भी क्लियर। सप्तम सप्तम भाव में कौन हो? शनि भाव है। में हाँ शनि और बुध का लिखा दिया आपने। अब लिखो, उल्टा लिख लो। सप्तम भाव में बुध हो, सप्तम भाव में सप्तम भाव में बुध हो, हाँ और शनि के नक्षत्र में हो। शनि के बुध सप्तम भाव में बुध हो और शनि के शनि नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में, तो तो व्यक्ति व्यापार कर सकता है व्यक्ति व्यापार कर सकता है। जी। यह आया समझ में? हाँ हाँ जी लिखो, कुंडली में बुध कहीं भी स्व राशि हो। कुंडली में कुंडली में बुध बुध कहीं कहीं भी भी स्व राशि हो स्वराशि को, वो तो व्यक्ति व्यापार कर सकता है। व्यक्ति व्यक्ति व्यापार 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 कर सकता। कर सकता ठीक है। हाँ है, देखिए यदि बुध 6-8-12 भाव में बैठे हैं, बुध यदि बुध छह छह आठ तो आठ 12 भाव में बैठे तो व्यक्ति व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। नहीं, व्यापार नहीं नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए, व्यापार हाँ, व्यापार नहीं करना चाहिए। हाँ वरना वरना व्यापार में नुकसान होता है, वरना व्यापार में नुकसान नुकसान। होता तो है, होता है। ये पॉइंट क्लियर। क्लियर मतलब अब हेडिंग लिख लो, आठवां भाव। कौन सा भाव? अष्टम भाव हाँ चलो, अब लिखे आठवां, ये व्यापार का भी समझ गए ना आप, है ना। में। हाँ समझ गए। अब हेडिंग लिखो आठवां भाव। आठवें भाव में पहले लिखो अल्प आयु योग। अल्प आयु योग 0 से 33, 0 से 33, 0 से 33। हाँ मध्य आयु योग। मध्य मध्य आयु योग 34 से 66, 34 से 66 64 से 66। पूर्ण आयु योग।
योग 66 के ऊपर, 66 के, तो 66 के ऊपर, अल्प पहले लिख लो अल्प आयु योग कौन सा। आयु योग है। यदि आठवें भाव का स्वामी, यदि आठवें अष्टम भाव का स्वामी शत्रु के नक्षत्र में, शत्रु के शत्रु के नक्षत्र में है, हे, व्यक्ति तो व्यक्ति की आयु कम रहती है, व्यक्ति की की आयु कम रहती है। अब दूसरा सूत्र, आठवें भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में है, स्वामी अष्टम भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र यदि वो नक्षत्र स्वामी में है, यदि वह नक्षत्र स्वामी नीच का हो, नीच का हो, कमजोर हो, कमजोर हो, तो व्यक्ति अल्पायु होता है, व्यक्ति तो व्यक्ति अल्प आयु होता होता है। है जी। ठीक है, अब लिखो मध्य आयु योग कौन सा। मध्य आयु होगा। यदि आठवें भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में, जिस जिस नक्षत्र में है, यदि वो नक्षत्र स्वामी मित्र राशि में, वह नक्षत्र नक्षत्र स्वामी, स्वामी मित्र राशि में वहां, तो तो व्यक्ति मध्य आयु होता है, व्यक्ति जी। व्यक्ति मध्य आयु होता है। चलो आगे चलें। हाँ बिल्कुल। हाँ यदि कोई पाप ग्रह लगन को देखता हो, यदि कोई पाप ग्रह लगन को देखता हो या आठवें भाव के नक्षत्र स्वामी को देखता हो, या अष्टम भाव के स्वामी को देखता देखता है, तो है, व्यक्ति 66 की उम्र तक जिंदा रहता है, व्यक्ति व्यक्ति 66 66 की की उम्र तक उम्र तक जिंदा रहता है। जी। चलो ये क्लियर। अब ये क्लियर। कौन लिखो पूर्ण आयु, पूर्ण आयु जी। यदि आठवें का स्वामी, योग, यदि अष्टम भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठे, तो अष्टम भाव में बैठे तो व्यक्ति व्यक्ति की पूर्ण आयु होती है, व्यक्ति की की पूर्ण आयु होती है। होती है, परंतु ये अष्टमेश चंद्रमा नहीं होना चाहिए, अष्टमेश चंद्रमा अष्टमेश चंद्रमा नहीं होना चाहिए। देखो नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन का, उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन, हाँ अमिताभ बच्चन का कुंभ लगन है, अमिताभ बच्चन का कुंभ लगन है। और आठवें का स्वामी बुद्ध आठवें भाव में बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव का स्वामी बुद्ध आठवें भाव में बैठा हो, तो अमिताभ की उम्र जी तो अमिताभ की उम्र मतलब 80 वर्ष है, 80। अस्सी देखो वर्ष यदि अष्टमेश अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, है। यदि अष्टमेश अपने ही अपने नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र में बैठे हैं तो तो पूर्ण आयु रहती है। ठीक पूर्ण आयु रहती है। आठ है, आठवें भाव का स्वामी, भाव
अष्टम भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र स्वामी उच्च का बैठे हैं। वह नक्षत्र स्वामी उच्च का बैठे या स्वराशि बैठे, तो या स्वराशि बैठे। तो व्यक्ति की पूर्ण आयु होती है, व्यक्ति की व्यक्ति की पूर्ण आयु आयु। होती है। जी होती ठीक हाँ जी। है, अब हेडिंग लिखो बालारिष्ट योग। कौन सा योग? बाला विस्ट्रोक विस्ट्रोक नहीं, बालारिष्ट हाँ योग योग, योग योग रोग वो थोड़ी योग। योग योग हाँ, अभी बालारिष्ट योग क्या होता है? देखो, यदि कुंडली में चंद्रमा तीसरे या आठवें भाव में बैठे, में चंद्रमा तीसरे या तीसरे आठवें या आठवें भाव आठवें में बैठे भाव में बैठे हैं और चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, चंद्रमा पर किसी चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो। तो व्यक्ति 24 साल तक जिंदा रहता है। व्यक्ति व्यक्ति चौबीस चौबीस साल तक साल जिंदा रहता है। हाँ ठीक है। अब देखो, यदि यदि शनि या राहु, शनि शनि या या राहु राहु का हाँ संबंध चंद्रमा से हो, का संबंध का संबंध चंद्रमा से हो तो व्यक्ति तो व्यक्ति 24 साल से ज्यादा जिंदा रहता है। 24 साल से सबसे ज्यादा 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 मतलब अच्छी अच्छी आयु पाता है। अच्छी, क्योंकि अच्छी आयु पाता है। बालारिष्ट योग भंग हो जाता है। जी, बालारिष्ट योग भंग हो जाता है भंग क्या हो जाता है? भंग। हो जाता है। आगे चले, अब लिखो, यदि आठवें भाव में शनि बैठे हैं, यदि अष्टम भाव में शनि बैठे और लिखो अष्टमेश मारक भाव में बैठे, अष्टमेश अष्टमेश मारक मारक भाव में भाव में बैठे बैठे, तो व्यक्ति की लंबी आयु नहीं रहती। व्यक्ति की आयु तो व्यक्ति की लंबी आयु आयु नहीं है। नहीं रहती। ठीक है, हाँ अब पत्रिका बना लो सी लगन की। कौन सी लगन की? सेम लगन की लग्न में मंगल, लगन में लगन में सप्तम में गुरु, सप्तम में मंगल सही लगन लगन में मंगल सप्तम में गुरु और आठवें में शनि, आठवें में। जी, हाँ आठवें में शनि हाँ देखो, यहाँ पर शनि आठवें भाव में बैठा है, यहाँ पे शनि यहाँ पर शनि अष्टम भाव में हूँ परंतु ये अष्टमेश गुरु मारक भाव में, अष्टमेश गुरु परंतु अष्टमेश गुरु गुरु मारक। तो मारक भाव में है। यह तो व्यक्ति यह व्यक्ति 56 उम्र तक जिंदा रहा, 56 विशेष उम्र तक जिंदा रहा। अच्छा, ये मेरे कजिन ब्रदर की है, मेरे ताऊ जी के लड़के की है। ठीक है, तो अच्छा मैं क्या सोचा था, अष्टम में शनि है तो भैया लंबी आयु रहेगी क्या, लेकिन हाँ अभी कोरोना आया था ना, कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई क्या। तो क्योंकि क्या है कि अष्टमेश मारक भाव में आ गया ना, अष्टमेश, मार्गवाह में आ गया और अष्टमेश लगन को भी देख रहा है, अष्टमेश लगन को भी देख रहा है। तो उम्र कम कर दी। आ रही बात सच में? अब अगला, अगली पत्रिका बनाओ सी लगन की।
पत्रिका सिंह लगन की। चलो अब सुनो, अभी टाइम हो गया तो अभी अभी स्टॉप करते हैं, ठीक हाँ है? ठीक अभी है सर, चलो, अब ये मुझे भेज देना आप, है ना? हाँ जी, ये कल भेजवा कर दो मैं दोनों। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कल भेज देना यहाँ से। हाँ जी, चलिए, ओके, थैंक यू। अगली क्लास अपन को दिवाली बाद लेंगे ना। हाँ ठीक है, अब दिवाली बाद पढ़ोगे? हाँ क्योंकि अब दिवाली में लग जाएंगे ना कल से। ठीक हाँ जी ठीक है, तो चलिए है ना। ठीक है, अब ठीक दिवाली है बाद सर, पढ़ते हैं। ओके थैंक ठीक यू। ठीक गुड़िया।